हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं अपने ब्लूटूथ स्पीकर को अपने फ़ोन से कैसे पेयर कर सकते हैं, यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये वन प्लस का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना ब्लूटूथ ऑन कर लेंगे, अगर आपका ऑन है तो ऑन ही रहने दें। और उसके बाद अपने ब्लूटूथ स्पीकर को ऑन कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और मेरा ये ऑन हो चुका है। तो आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए मेरा ये ऑन हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा शो हो गया है। तो इसको पेयर करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका ये पेयर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, पेयर हो चुका है, यानी कि कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने ब्लूटूथ स्पीकर को पेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।